प्रिया ही, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। 22,842 करोड़ के बैंक घोटाले में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई एबीजी शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन और एमडी रहे ऋषि अग्रवाल को पूछताछ के लिए दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर पहुंची है, जिससे कि इस घोटाले के तार किस किस से जुड़े हैं ये पता चल सके। ऋषि अग्रवाल पर 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ 7 फरवरी को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। हालांकि इससे पहले भी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की थी। ऋषि अग्रवाल शशि रुहिया और रवि रुहिया के भांजे हैं। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड देश की सबसे बड़ी निजी शिपयार्ड फर्म रही है। कंपनी 16 साल में 165 से ज्यादा जहाज बना चुकी है। ये नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए भी जहाज बना चुकी है। ऋषि अग्रवाल पर कारोबार के नाम पर कर्ज लेकर उसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इनमें 7,089 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक, 2,925 करोड़ एसबीआई, 3,634 करोड़ आईडीबीआई बैंक, 1,244 करोड़ पीएनबी, 1,614 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा और 1,228 करोड़ इंडियन ओवरसीज के बकाया हैं। इनके अलावा 22 और बैंकों के 5,108 करोड़ रुपए बकाया हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।